सौंफ का ये अद्भुत नुस्खा आपकी आंखों की रोशनी को बाज की तरह तेज करके, आंखों का चश्मा उतार करके आंखों की रोशनी को 15 गुना तेज कर देगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता के माध्यम से आज से 2500 साल पहले किए जाने वाले प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने से संबंधित है। दोस्तों, आप सौंफ के बारे में तो जानते होंगे, सभी इसका भोजन करने के बाद में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसको अंग्रेजी में फेनल सीड्स भी कहते हैं, लेकिन आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में बच्चे हैं छोटे, उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, उनको बड़े बड़े चश्मे लगे हैं, या फिर दोस्तों अगर आप नौजवान युवा हैं, अभी लड़के हैं लड़की, से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर उम्र आपकी बहुत ज्यादा हो गई है, आंखों की रोशनी कमजोर होने के साथ साथ दूर का चश्मा और पास का चश्मा, यानी कि नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस अगर आपको हो चुकी है, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप होता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोज को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत एक सेकंड के भीतर मिल जाए। तो आइए जानते हैं सौंफ का आपको आखिर प्रयोग किस तरह से करना है। दोस्तों, खाली सौंफ का प्रयोग करने से आंखों की रोशनी तेज नहीं होती है, अन्य इसके साथ दो चीजें और लेनी होती हैं, और भी मैं आपको 2 से 3 नुस्खे बताऊंगा जो कि आंखों की रोशनी को तेज करने में सहायक होते हैं, मददगार होते हैं। तीनों नुस्खों का आपको डेली बेसिस पे यानी कि रोजाना प्रयोग करना है। ऐसा ना करें, ये जो मैं आपको सौंफ का प्रयोग बता रहा हूं सिर्फ आप यही करेंगे, बाकी 2 नुस्खे नहीं करेंगे। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे वीडियोस देख करके, जो उनको सही लगता है खुद से वही करना शुरू कर देते हैं। हमारी आयुर्वेद की किताब कहती है कि सही नियम से पालन करें, सही चीजों का स्टेप वाइज पालन करें, तभी बेनिफिट होगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको सौंफ का किस तरह से प्रयोग करना है। देखिए, सौंफ जो हरे वाले होते हैं उनको मार्केट से लेकर के आइए, जो तवा होता है जिसमें हम रोटी सेंकते हैं या फिर फुलका बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस तवे को हल्का गर्म करके धीमी आंच पे, उस पे दोस्तों, ये मैं आपको एक दिन का प्रयोग बता रहा हूँ, एक दिन का आपको प्रयोग कैसे बनाना है, उस पे दोस्तों आपको 1 चम्मच सौंफ डाल करके हल्की धीमी आंच पे भून लेने हैं। दोस्तों, इसको इतना कम भूनना है कि ये जलना नहीं चाहिए, ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए, लाइट ग्रीन अगर सौंफ रहता है तो थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो जाए, ज्यादा इसको भूने ना। भूनने के बाद में किसी भी पत्थर की लंगरी में, इमाम दस्ते में या फिर मिक्सर या ग्राइंडर में दोस्तों इसका चूर्ण बारीक पाउडर आपको बना लेना है। इसके बाद रात को सोते समय आपको क्या करना है, हो सके तो मिट्टी के बर्तन में, नहीं तो दोस्तों आप कोई भी स्टील या कांच के बर्तन में भी पानी डाल करके 4 से 5 से 6 बादाम, अपनी उम्र के अनुसार, छोटे बच्चे हैं तो 4 बादाम बहुत हैं, बड़े अगर आप हो चुके हैं, नौजवान हैं या फिर बुजुर्ग हैं, तो आप 8 तक बादाम भी ले सकते हैं, 8 आलमंड्स भी ले सकते हैं। इनको रात भर आपको पानी में भिगो करके और ऊपर से ढक के रख देना है। दोस्तों, ढक के रखना बिल्कुल भी ना भूलें बादाम को पानी में भिगो करके। इसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, इन बादाम का छिलका उतारिए। सबसे पहले छिलका उतारना बहुत जरूरी होता है, कई लोग क्या करते हैं छिलका नहीं उतारते हैं बादाम का। छिलका अगर आप नहीं उतारेंगे बादाम का, तो जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में भिगोने के बाद जो ज्यादा हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो दोस्तों आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपके खून के द्वारा आपकी बॉडी को नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इसका जो छिलका होता है बादाम का, वो दोस्तों न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है, इसीलिए छिलका उतारना बहुत जरूरी है। बादाम का छिलका उतार करके दोस्तों आपको क्या करना है, बादाम को दोस्तों पत्थर की लंगरी में, इमाम दस्ते में, खरड़ में या फिर मिक्सर ग्राइंडर में आपको पीस के इसका बारीक चटनी बना लेनी है, पेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी बारीक पेस्ट बना लेनी है, और साथ में दोस्तों जो आपने सौंफ भूना था वो भी दोस्तों आपको दोस्तों इसके बीच में डाल देना है। दोनों चीज़ों को मिला करके साथ में जो देसी खांड आती है ब्राउन कलर की, अगर आपको वो मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो दोस्तों
अगर आपको गुड़ मिल जाए, इवेपोरेटेड, वैक्यूम इवेपोरेटेड गुड़, जो एकदम शुद्धतम गुड़ होता है, डार्क ब्राउन कलर का, जितना पीले रंग का सफेद रंग का गुड़ होगा उतना दोस्तों मिलावटी गुड़ होता है, अच्छा नहीं होता है, बीच में मिलावट की होती है। जितना ज्यादा डार्क ब्राउन कलर का गुड़ होता है, तांबे के रंग का, हो सके तो फैक्ट्री गुड़ की जो फैक्ट्री होती है वहां से जा करके ताजा गुड़ ही लेकर के आए, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मार्केट से ना खरीदें, हो सके तो गांव की जो मिल होती है गुड़ वाली वहां से जा करके लाएं। इस गुड़ की दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा, यानी कि 1 इंच का जो टुकड़ा होता है, 1 उंगली का 1 इंच, मतलब कि 1 उंगली के 3 हिस्से कर लेंगे ना हाथ उंगली के, तो उसमें से जो तीसरा भाग होता है उंगली का, उतना आपको टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। वो भी दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके आपको दोस्तों अच्छे से पीस लेना है। ये तीनों चीजों को अगर आप सुबह उठ करके, मैं आपको आगे वीडियो में कुछ व्यायाम बताने वाला हूँ आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, वो व्यायाम करने के बाद में इसका 1 से 1.5 से 2 चम्मच की मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं भी है, तो भी दोस्तों आप इस नुस्खे को रोज़ाना, मैं कह रहा हूँ रोज़ाना, डेली बेसिस पे, नौजवान युवा जिनको किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ की, बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको रोज़ाना ले सकते हैं, इसका कुछ भी नुकसान नहीं, उल्टा फायदा होता है। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो 1 चम्मच की मात्रा में दें, छोटे वाला चम्मच। अगर आप नौजवान हैं तो 2 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। बुजुर्ग अगर आप हैं, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो गुड़ बीच में से हटा दें, या फिर बहुत कम मात्रा में रखें, रखना भी चाहते हैं आप थोड़ा टेस्ट के लिए, बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज़ है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं खा सकता। हाँ, बाकी अन्य चीज़ों में, भोजन में मीठा अगर आप बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ ये नुस्खे में ले सकते हैं। ये दोस्तों आगे में वीडियो में जो आपको कुछ व्यायाम बता रहा हूँ, जो कि आपको करना ही करना है, 2 चीज़ें आपको करनी है, उसके बाद में अगर आप ये नुस्खा लेते हैं हल्के गुनगुने पानी के साथ या फिर दूध के साथ, आपकी मर्जी है, दूध के साथ गाय का, अगर शुद्ध दूध घर में देसी गाय आपकी है। देखिए मार्केट में नकली जो दूध मिलता है वो तो बिल्कुल ना नहीं, उससे अच्छा है कि तांबे के बर्तन का जो पानी होता है उसको हल्का सा गुनगुना करके उसके साथ में ले तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दोस्तों आपको दूसरी चीज़ का ध्यान क्या रखना है, ये तो मैंने आपको नुस्खा बता दिया, आपको दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि नंगे पैर, दोस्तों सुबह उठ करके नंगे पैर हरी घास में चलना या फिर मिट्टी के संपर्क में, जो हमारी सॉइल होती है, मातृभूमि होती है, अगर उस पर घास नहीं भी है लेकिन वो मिट्टी पर अगर आप नंगे पैर डेली बेसिस पे चलते हैं तो पैर में कुछ नीचे वाले साइड में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि जैसे ही मिट्टी के या फिर घास के संपर्क में आते हैं तो एक्टिवेट होते हैं। ऐसे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अगर आप दबाव डालेंगे भी तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जो हमारी बाहरी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो मिट्टी से मिलकर बनी है, जो हड्डी होती है, मांस होती है, मज्जा होती है, मिट्टी से मिलकर बनी होती है। जैसे ही दोस्तों ये अर्थ के संपर्क में आते हैं पैर के तलवे, तो दोस्तों कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं, अगर आप उनको दबाएंगे हाथों से तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे। इसीलिए नंगे पैर सुबह उठ करके हरी घास में, पार्क में जा करके, ग्राउंड में जा करके, या फिर अपने घर में अगर आपने घास लगाई है, अवश्य आधा घंटा चलना ही चलना है। तीसरी चीज, रात को सोते समय दोस्तों हफ्ते में 3 से 4 बार सरसों के तेल की मालिश अपने पैर के नीचे तलवों में अवश्य करें। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तेजी तरीके से आपके पैरों के भीतर एब्जॉर्व करके सरसों के तेल को बहुत ही गजब के तरीके से दोस्तों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है और आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, अगर आप इन प्रयोग को करेंगे रोजाना डेली बेसिस पे, मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी, चश्मा ऐसे उतरेगा जिसकी आपने आज तक कल्पना नहीं की होगी। कुछ हठ योग की प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि दोस्तों गूगल पे आप सर्च करेंगे ईशा फाउंडेशन सदगुरु, जिनका सेंटर कोयंबटूर में है, वहाँ पे दोस्तों एक प्रक्रिया, हठ योगिक प्रक्रिया होती है जो कि आज से हजारों साल पहले पतंजलि महर्षि ने सिखाई थी, उसका नाम है दोस्तों सुनेत्रा। सुनेत्रा जो होता है दोस्तों ये हठ योगिक प्रक्रिया होती है, आंखों की भयंकर से भयंकर बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। दोस्तों इस सुनेत्र प्रक्रिया को सीखने के लिए आप गूगल पर सर्च करें ईशा फाउंडेशन हठ योगा टीचर्स फाइंडर,
इसको सर्च करके आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का नाम डालिए, वहाँ पे आपके शहर में जो टीचर्स अवेलेबल हैं सिखाने वाले उनका नाम और नंबर आ जाएगा, उनको कॉल करके कॉन्टैक्ट करके अपने घर पे बुलाइए और कहिए कि मुझे सुनेत्रा सीखना है आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों इससे आपकी आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होगी, थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है, आधे से पौना घंटा इसको करने में लग जाता है, लेकिन आंखों की रोशनी डेफिनेटली तेज होती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आई साइट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।